जय श्री गणेश दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल श्री गणेश ज्ञान में। आज मैं आपको नवरात्र की कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो शास्त्रों में लिखी है, श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है। देखिए, व्यास जी ने कहा है, देखिए क्या कथा है वो सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य था, वह महान दुखी था। राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उनकी शुदा कभी शांत नहीं होती थी। उसके लड़के सायंकाल में किसी प्रकार कुछ भोजन पाते थे, वैश्य भी कुछ खा लेता था। भूख रहते हुए वह सर्वदा दूसरों के कार्य में तत्पर रहता था। यूँ बड़ी कठिनता से कुटुंब का भरण पोषण चलाता था। उस वैश्य के मन में अपार चिंता रहती थी, परंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता था। उसकी इंद्रियां शांत थी। वह बड़ा सदाचारी था, कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके मन में क्रोध नहीं आ पाता था। वह सदा धैर्य से काम लेता था, मन में अहंकार और डाह नहीं आने देता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के पश्चात अपने आश्रित जनों को खिलाकर तब स्वयं ही कुछ भोजन करता था। उस वैश्य के प्रतिदिन का नियम था यह उस वैश्य के प्रतिदिन का नियम था। यूँ उसका समय व्यतीत हो रहा था। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया था। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चयपूर्ण कैसे दूर हो सकती है। मानद, मुझे धन की इच्छा नहीं है, मैं खूब संपन्न हो जाऊँ यह नहीं चाहता। द्विजवर, तुमसे पूछने का मेरा इतना ही अभिप्राय है कि कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें एक एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए, मैंने उन्हें त्याग दिया है। अतः अब मेरे हृदय में आग सी लग गई है, परंतु धन के अभाव में मैं कर ही क्या सकता हूँ। मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूं? द्विजवर, इससे मेरा मन चिंता के समुद्र में गोते खा रहा है। दयानिधे, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। विप्र, अब तुम तप, दान, व्रत, मंत्र एवं जप, कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए, अधिक धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। महाभाग, तुम्हारी कृपा से अब मेरा परिवार सुखी हो जाए। एतर्ध सोच समझकर कोई उपाय बताओ। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्यवर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा, वेद का पारायण, भगवती के मंत्र का जाप और होमादि सभी कार्य होते हैं, किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वैश्य, जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस परम पावन सुखदायी व्रत को नवरात्र व्रत कहते हैं। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाता है, सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज्य से जब च्युत हो गए थे, उन्हें सीता का वियोग हो गया था, उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। उस अवसर पर सीता के विरह से
भगवान राम अत्यंत संतप्त हो उठे। उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की। तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। उन्होंने विशाल समुद्र पर पुल बांधा। महाबली रावण और कुंभकर्ण मारे गए। रावण कुमार मेघनाथ की भी जीवन लीला समाप्त हुई। विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बनाया। इसके पश्चात अयोध्या में आकर निष्कंटक राज्य भोगा। वैश्वर अमित तेजस्वी भगवान श्री राम को धरातल पर इस प्रकार की सुख सुविधा इस नवरात्र के प्रभाव से ही सुलभ हुई थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उससे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। अनेकों प्रकार के सामान यथाशक्ति एकत्रित करके उसने भवानी की आदर पूर्वक पूजा की। 9 वर्ष के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के माया बीज मंत्र का वह जप करता रहा। 9वें वर्ष के नवरात्रि में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृत कृत कर दिया। तो देखिए भक्तों, नवरात्र की यह व्रत कथा थी। तो देखिए, उस वैश्य को उन ब्राह्मण ने नवरात्र व्रत के बारे में बताया, जिसके फलस्वरूप भगवती दुर्गा के दर्शन हुए। देखिए, तो ज्ञानी जनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह ज्ञान बांटें दूसरों में, ताकि दुखी जनों का कल्याण हो। ज्ञान बांटना भी एक यज्ञ है, परंतु आजकल के ब्राह्मण बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि धन के लोभ में शास्त्रों के साथ नहीं चलते, आसान मार्ग बताते हैं, आसान मार्ग पे चलते हैं ताकि उनके रोजी रोटी है वो चलती रहे। तो लोभ में वो कोई भी उपाय, कुछ भी बता देते हैं। कई सारे चैनल ऐसे हैं, कुछ भी बता देते हैं, मतलब धन की प्राप्ति के लिए ये करिए, वो करिए, ये जड़ ला के रखिए, वो फूल रखिए, ये करिए, वो करिए। ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, इनको नहीं करना चाहिए, और एक समझदार व्यक्ति को तो नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण का फ़र्ज़ है कि दूसरों को ज्ञान दे, उनको सही राह दिखाए। तो अफसोस की बात है कि आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए, वो तो अलग मैटर है। तो दोस्तों, ये थी कथा नवरात्र की। आप इस कथा को सुनिए, इस कथा का पाठ कीजिए, और आशा रखता हूँ कि इस नवरात्र में भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवती दुर्गा आप सभी पर प्रसन्न रहें, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी इच्छा है, और साथ में हम पर भी प्रसन्न रहें। अपने आप को क्यों छोड़ा जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।